सो दोस्तों, अगर आप भी FM WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं और डाउनलोड करने से पहले आपको उस वर्जन के A to Z फीचर्स के बारे में जानकारी करनी है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FM WhatsApp के लेटेस्ट वर्जन की, जो कि इस समय है 9.11। अगर आप इस वर्जन को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो जैसे ही आप अपना FM WhatsApp ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऊपर एरोप्लेन का ऑप्शन, नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको साइड में लाइट मोड डार्क मोड का ऑप्शन दिखता है। इसके अलावा आप देखेंगे चैट्स, ग्रुप्स, कॉल्स, स्टेटस सब अलग अलग है। यहाँ पे इंस्टाग्राम टैप स्टोरीज भी इनेबल्ड है। इसके अलावा अगर आप किसी भी चैट पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको हाइड चैट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप भी चाहें तो आप अपनी होम स्क्रीन को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस इनेबल करने के लिए आपको सिंपली ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जाना है FM मोड्स पे और आपको जाना है होम स्क्रीन पे। जैसे ही आप होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको हेडर ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक कर ले। अब हेडर ऑप्शन में जो जो चीज़ें आप यहाँ से इनेबल करेंगे, इंस्टाग्राम लाइक स्टोरीज इनेबल कर ले, ग्रुप्स एंड चैट्स को अलग अलग कर ले, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, लाइट मोड डार्क मोड चाहते हैं वहाँ पे दिखाई दे तो इनेबल कर ले, एरोप्लेन मोड चाहते हैं वहाँ पे दिखाई दे तो इनेबल कर ले। ऐसे ही आप पिक्चर्स को हाइड कर पाते हैं तो वो यहाँ से इस ऑप्शन को डिसेबल रखें तभी वो वहाँ से हाइड होगा, अदरवाइज अगर आप हाइड कर लेंगे तो बाद में आपको वो दिखाई भी नहीं देगा। अब अगर हम Instagram की एडवांस तो अब अगर हम अपने FM WhatsApp की एडवांस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ, यहाँ आप मी पे ही क्लिक करें, ऊपर आप क्लिक कर लें तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको कस्टम प्राइवेसी का ऑप्शन दिखता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए आप अलग परमिशन लगा सकते हैं, किसी एक बंदे का ब्लू टिक हाइड कर सकते हैं, किसी एक बंदे का ब्लू माइक्रोफोन हाइड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग हाइड कर सकते हैं और किसी एक बंदे का हाइड व्यू स्टेटस इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और प्राइवेसीज की बात करें तो ऊपर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करें, FM मोड्स पर जाएं और आप पहले वाले ऑप्शन पर जाएं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आप यहां से लास्ट इन फ्रीज कर सकते हैं, एंटी व्यू वंस को इनेबल कर सकते हैं, अपना फॉरवर्डेड टैग डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन कॉल कर पाएगा, कॉल प्राइवेसी भी आप सेट कर सकते हैं। कस्टम प्राइवेसी मैंने आपको अभी दिखा दिया है, किसी का स्टेटस देखेंगे उसको पता नहीं चलेगा, किसी ने स्टेटस लगाया डिलीट कर दिया तो वो आपको दिखता रहेगा 24 घंटे तक। इसके अलावा अगर किसी ने मैसेज सेंड किया और डिलीट कर दिया तो वो आपको दिखता रहेगा, आपने किसी का मैसेज रीड किया उसको ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देंगे। ऐसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी के तौर पर आपको ऐप लॉक इनबिल्ट मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए फिंगरप्रिंट पैटर्न या पिन से अपने एप्लीकेशन को लॉक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे ये DP है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आप वही आपको DP यहाँ पे वॉलपेपर के तौर पे दिखाई दे रही है। अगर मैं किसी दूसरे कॉन्टैक्ट को ओपन करता हूँ तो ये DP है और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यही इसका वॉलपेपर है। ये है कॉन्वर्सेशन स्टाइल, आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्टाइल को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको चेक कराता हूँ, ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करें, FM मोड्स पर जाएं और आपको जाना है कॉन्वर्सेशन स्क्रीन पे। जैसे आप कॉन्वर्सेशन स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो अपना एक्शन बार आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। देख लीजिए एक्शन बार जब भी आप बात करें, कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे, ऑनलाइन शो करे, नाम शो करे, कॉल बटन शो करे, वीडियो बटन शो करे, आप यहाँ से वो सारी चीज़ें चाहें तो हाइड कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कॉन्वर्सेशन स्टाइल कैसा होगा तो यहाँ पे आके वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको अब दिखाया कि किसी का भी DP है और आप चाहते हैं कि उसका DP ही उसका वॉलपेपर बन जाए तो उसके लिए यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शंस हैं, दोनों को आप इनेबल कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो जिस बंदे का DP होगा वही उसका वॉलपेपर भी बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको चेक कराऊं तो यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन को लॉक करने का फीचर मिल जाता है। किसी भी चैट को ओपन करें, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर के साथ साथ आपको कन्वर्सेशन लॉक करने का भी फीचर मिल जाता है, जो कि आपके कन्वर्सेशन के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना देगा।
FM WhatsApp के इस वर्जन में भी आपको बैकअप लेने का ऑप्शन मिलता है, उसके लिए आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको FM मोड्स पे जाना है और आपको जाना है यूनिवर्सल सेटिंग्स पे। जब आप यूनिवर्सल सेटिंग्स पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे क्लाउड बैकअप अवेलेबल नहीं है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बैकअप आपके फ़ोन मेमोरी में ही सेव हो जाएगा और बाद में आप जब भी चाहें उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी स्टेटस को डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको बस उस स्टेटस को प्ले करना है। जैसे ही आप उस स्टेटस को प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे डाउनलोड बटन दिखाई देगा, आप यहाँ पे क्लिक करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बिना डाउनलोड किए वो यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। बिना डाउनलोड किए अगर आप किसी का भी स्टेटस चाहें तो किसी के साथ भी शेयर कर लें। FM WhatsApp के इस वर्जन में भी आपको अनलिमिटेड थीम सपोर्ट मिलता है। जब भी थीम्स आपको डाउनलोड करनी है ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, FM मोड्स पे जाएं और FM मोड्स पे जाने के बाद आपको सिंपली देखेंगे आपको FM थीम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उस पे क्लिक करें। पहला ही ऑप्शन आपका डाउनलोड का है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड थीम्स मिल जाएंगी। अपने मन मुताबिक आपको जो भी थीम पसंद आती है आप उस पे इंस्टॉल पे क्लिक करें, वो थीम इंस्टॉल हो जाएगी और आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का प्रोसेस समझ लीजिए। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाते हुए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको ऊपर पिंड मैसेजेस में स्क्रॉल करके थोड़ा देख ले, वहाँ पे आपको FM WhatsApp देखने को मिलेगा। वर्जन के साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।